नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, POC फर्स्ट जो कि हम पढ़ते हैं फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर में, जिसका कोड है PP202T। ओके, तो हम इसका फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट में पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होती हैं, उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कैसे होते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि एल्केन क्या है। एल्केन, तो एल्केन जो है, एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना है, एल्क और एन। किससे मिलकर बना है? एल्क और एन से। तो एल्क का मतलब है, एल्क क्या है, जो पहले लगता है वर्ड के वो कहलाता है प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। और जो वर्ड के बाद में लगता है वो क्या कहलाता है? आपका सफिक्स कहलाता है। तो आपका एल्क हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया सफिक्स हो गया। ओके, अब एल्क का मतलब क्या? एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, या फिर कोई चेन या फिर रिंग कंपाउंड। ओके, हमने बोला नंबर ऑफ कार्बन या चेन या रिंग कंपाउंड कोई भी। ओके, अब इसको हम समझेंगे आगे। हाँ, अब एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है, एन है सफिक्स, मतलब जो वर्ड के बाद में लगा। अब उसका मतलब है कि ये दर्शा रहा है सिंगल बॉन्ड। ये क्या दर्शा रहा है? इंडिकेट कर रहा है सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया आपका एल्केन। ऐसा एल्केन जो कि नंबर, पहला वर्ड जो दर्शा रहा है नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरा वर्ड दर्शा रहा है कि कितने बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड दर्शा रहा है। अब देखिए, जैसे अब एन आ गया, उसी प्रकार से आपका देखिएगा, हमने लिख लिया एन, दूसरा हमने लिख लिया ईन, क्या लिख लिया? ईन, और तीसरा हमने लिख लिया आयन। तो एन का मतलब क्या है? कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। आयन का मतलब क्या है? कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और इन का मतलब क्या है, सॉरी, आयन का मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और इन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ओके, ये चीज हमने लिख ली, इसको हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, इसको हमने डबल बॉन्ड, और इसको हम लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब देखिए, यदि मैंने एन में एल्क लगा दूं, एन में क्या लगा दूं? एल्क लगा दूं, क्या बन जाएगा? ये एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। यदि इन में मैं एल्क लगा दूं तो क्या बन जाएगा? एल्क और इन बन जाएगा, ठीक है। और यदि आयन में मैं एल्क लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? एल्क आयन बन जाएगा। मतलब यदि यदि ये नंबर ऑफ कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड लगा दूं, मतलब ऐसी जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया वो एल्केन कहलाएगा, जो डबल बॉन्ड वाली है उसमें एल्कीन कहलाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड वाली है वो एल्काइन कहलाएगा। मतलब कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 और CH3, अब ये कहलाएगा प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन मतलब एल्केन। अब देखिएगा, इसमें हमने लिखा नाम प्रोप और एन, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। तो प्रोप का, प्रोप क्या दर्शा रहा है? थ्री कार्बन। प्रोप का मतलब होता है तीन कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन। तो हमने लिखा प्रोप, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, और एन, एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। अब देखिएगा, मैंने बोला पहला का, पहला जो शब्द है एल्क कहलाएगा, एल्क है ये, तो वो क्या दर्शा रहा है? नंबर ऑफ कार्बन दर्शा रहा है, तो ये कहता कितना? तीन कार्बन। और दूसरा वर्ड जो है वो एन है, वो क्या दर्शा रहा है? सिंगल बॉन्ड को, है ना, और इन होता है तो डबल बॉन्ड को, है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड को दर्शा रहा है। तो ऐसा क्या हाइड्रोकार्बन जो कि तीन कार्बन से बना है और सिंगल बॉन्ड है, वो आपका क्या है? प्रोपेन कहलाएगा। ओके, ये किसका एग्जांपल होगा? एल्केन का। तो आपन ने समझ गया ना, एल्क मतलब
सिंगल कितने नंबर कार्बन, कॉइन मतलब डबल सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर मैंने अगर डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, तो इसकी वैलेंसी में पूरी कर लूंगा ये और ये, ठीक, तो ये आपका ही हो जाएगा। तो ये आपका मैंने डबल बॉन्ड लगा लिया। अब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या कहलाता है, ये कितने कार्बन है, तीन, तो ये प्रोप रहेगा। अब यहाँ पर क्या हट जाएगा, ये क्या हट जाएगा, यहाँ पर एन की जगह ईन आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। तीन कार्बन का हमने क्या बना लिया, प्रोपीन बना लिया, तो ये आपका एल्कीन बन गया। यदि इसमें अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोप, आप क्या लगा दूंगे, आयन, प्रोपाइन बन गया, तो ये आपका क्या बन गया, एल्काइन बन गया। तो ये हो गया आपका, तो इस प्रकार से आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनेंगे। अब देखिए, अब एक चीज आपने देख ली कि कैसे बनते हैं। अब इसका देखिएगा, एक चीज आपको समझनी है कि कितने प्रकार के आपके बॉन्ड होते हैं, है ना। तो चलिए, अब हमने देख लिया एल्केन, देख लिया, और एल्क में यदि YL लगा दिया जाए तो ये क्या कहलाया, एल्किल बन गया। अब एल्किल का मतलब क्या है, एल्किल में जो ये YL का मतलब क्या है, YL ये क्या है, सफिक्स है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि, इंडिकेट करता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इतना है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दूसरे वर्डों में बोला जाए कि किसी से अटैचमेंट, किसी से अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट ऑफ अदर ग्रुप, अटैचमेंट टू अदर ग्रुप, ठीक है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इंडिकेट कर रहा है कि एल्किल का मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की कमी है, या फिर और दूसरा अटैचमेंट ऑफ, अटैचमेंट टू अदर ग्रुप, ये कंपाउंड किसी अदर ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा, इन दोनों को समझते हैं। मैंने आपको लिखा CH4 और इसमें मैंने कर दी एक हाइड्रोजन की कमी, इसको हम बोलते हैं मीथेन, ओके। एक हाइड्रोजन की अगर कमी हो जाए तो क्या कहलाएगा आपका, CH3 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, CH3। लेकिन इसकी एक वैलेंसी तो खाली रह गई। अब इसकी एक वैलेंसी खाली है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका नाम हो जाएगा मैथ इल, क्या हो जाएगा, मीथेन से क्या हो जाएगा, मैथ इल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस मैथिल में एक हाइड्रोजन की कमी है, तो हमने बोला लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की कमी को इंडिकेट करता है। दूसरा, अब मैंने बोला कि अटैचमेंट टू अदर ग्रुप, अब देखिएगा, अब मैंने इसको किसी चीज से जोड़ दिया, इसको मैंने अगर क्लोरीन से अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा आपका, CH3, ये आपका कंपाउंड बन गया। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। अब देखिएगा, जो ये मेथिल बना, अब मेथिल क्यों बना, ये देखो, इसको मेथिल, मेथेन क्यों नहीं बोल रहे, मेथिल क्यों बोल रहे, क्योंकि ये जो है वो फंक्शनल, ये इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा होता है उसको कैसे लिखते हैं, मेथिल, है ना। मतलब ये क्या, किसका काम कर रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जो कि मेन चेन या मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो चीज होती है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाती है ना, मेन ब्रांच के अलावा, है ना। तो वो सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो उसमें इल लगा है, समझ गए ना। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप से, अब देखिए ये क्या काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप है
और ये सब्सिट्यूएंट है। तो सब्सिट्यूएंट को हम इल के द्वारा दर्शाते हैं, किसके द्वारा, वायल के द्वारा, है। तो इस चीज में हमने अटैचमेंट ऑफ टू अदर ग्रुप, तो ये चीज आप समझ गए एल्किल किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम एल्केन का जनरल फॉर्मूला देखेंगे, हाँ। अब देखिएगा ये आपकी बेसिक क्लास है, अब देखिएगा हमने देखा कि जो एल्केन है वो क्या है, एक ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाँ, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसका जो होता है इनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, एंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिएगा एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, या फिर हम तीनों का एक साथ ही पढ़ लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। अब देखिएगा जनरल फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम उसकी बना सके, मतलब उसका कंपाउंड बना सके। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिख लेते हैं पहले, इसका होता है CnH2n+2। एल्कीन का क्या होगा, CnH2n, ओके। फिर एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2। अब देखिएगा इसमें ऊपर प्लस टू है, इसमें माइनस टू है, इसमें टू है ही नहीं, ओके। तो ये याद रखने का तरीका हो गया। अब ये देखिएगा, अब जब एल्केन की बात की जाए तो एल्केन को मान लीजिए हम पहले तीन कार्बन का कोई भी एल्केन बनाना चाहते हैं, तीन कार्बन का। अब एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। मान लीजिए हमने ले लिए एन बराबर 3 ले लिया, तो अब ये क्या बनेगा, यहां पर देखिएगा कार्बन रख दिया, एन की जगह हमने 3 रख दिया, एच की जगह हमने एच रख दिया, और टू की जगह टू, टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स, सिक्स प्लस टू कितना, एट, एट हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे बनाए चेन के फॉर्म में, ये तो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंडेंस फॉर्म में, इसको चेन के फॉर्म में बना दिया जाए CH3, CH2 और CH3, तो अब देखिएगा कितना हो गया, तीन कार्बन है, एक दो तीन कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है, एट, दो तीन और तीन छः और दो आठ, तो ये आपका वह बन गया प्रोपेन बन गया, ओके। तो ये चीज आपने समझ ली कि मैंने इस जनरल फॉर्मूले में अगर एन बराबर 3 रखा तो मैंने प्रोपेन बना लिया, यदि मैं 4 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, आप देखिएगा एन बराबर 4 रखता हूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, गिन के बताइए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 2 = 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर और क्या जुड़ जाएगा आपका, ये देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन और आपका बाकी 10 हाइड्रोजन, 3, 3, 6 और 4, 10, ओके। तो इस प्रकार से अब एल्कीन का बना लेते हैं, मान लीजिए एल्कीन में हमने C बराबर 3 रखा तो कार्बन कितना हो जाएगा, C3H कितना हो जाएगा, 2 × n मतलब 3 × 6, तो इससे हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे, CH3, CH और CH। अब देखिएगा हमको 3 कार्बन हो गए, अब 6 बनाना है ना, तो एक हमने डबल बॉन्ड ले लिया है, तो ये अभी यहाँ पर कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3 कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 = 6 हाइड्रोजन, ओके। आपका क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन, प्रोपीन बन गया, ओके। अगर 4 कार्बन का बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, 5 का बनाना है तो भी बना सकते हैं, ओके। वैसे ही इसका बनाना है अपन को, मान लीजिए इसका बनाना है अपन को 3 कार्बन का, तो कैसे बनाएंगे, C3 रख दिया, एन की जगह 3 रखा, एच की जगह क्या रखोगे, H2 × n मतलब 3 × 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4 बचे,
ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन। इसकी वैलेंसी पूरी कैसे करना है, पहले नंबर आयन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे। ओके, अब देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं, चार हैं, तो पहला हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। अब देखिए हो गया कि वैलेंसी पूरी, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, तीन कार्बन तीन बॉन्ड और इधर चार, तीन और एक चार, इधर तीन और एक चार, हो गए। तो ये क्या बोलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोप आयन, ठीक, ये प्रोपाइन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम जनरल फॉर्मूले से सभी के हम जितना नंबर ऑफ कार्बन हमको दे दे, हम उसकी चेन बना देंगे, एल्केन बना देंगे, एल्कीन बना देंगे, एल्काइन बना देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई आपकी। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन किस प्रकार से होते हैं, जो कि ज्यादातर हर चीज में यूज होते हैं, है ना। अब देखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हमें एक ही वीडियो में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जो है ना एक वीडियो से जो आने वाली बेसिक पॉइंट हैं उसको सारे समझ जाएं। अब देखिएगा, हमने टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन लिखना है। अब देखिएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। क्या है, अगर मान लो कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है तो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन या कार्बन हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके टाइप चार। अब हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इससे हम समझते हैं किस प्रकार से। देखिएगा, हमने ले लिया, पहले हमने स्केलेटल बनाई, और इसमें हमने जोड़ दिया कार्बन कार्बन, और यहाँ पर एक और कार्बन जोड़ देते हैं। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एक वैलेंसी और रहेगी इसकी, इसमें हाइड्रोजन पड़ेगा, इसमें टू, ठीक। अब इसकी हमने वैलेंसी पूरी कर दी। अब देखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी कार्बन और हाइड्रोजन कैसे दर्शाए जाते हैं या कैसे हमको पहचाने जाते हैं, ये देखिएगा। कोई भी कार्बन यदि एक डायरेक्टली सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखिएगा, हाइड्रोजन को बाद देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर भूल जाइए, कार्बन जो है वो सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला, तो ये डायरेक्टली वन से जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ओके, ये जो है सेकंड वाला, वो इधर एक से इधर एक से, मतलब दो से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी कार्बन। अब ये देखिए, तीसरा वाला जो है वो एक दो तीन चार से जुड़ा हुआ है, मतलब चार कार्बन से मिलकर जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं 4 डिग्री, 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी कार्बन। फिर देखिएगा, यहाँ पर एक और दो से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो है इधर एक से इधर एक से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिएगा, ये जो है एक दो तीन से मिलकर जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री हो जाएगा। और अगला देखिएगा, ये जो है वो डायरेक्टली वन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला भी आपका 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी ऊपर वाला 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, समझ गया ना। तो आप ये इस प्रकार से समझ गए, कौन सा कार्बन किस पोजीशन पे है उसी अनुसार वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सेकेंडरी कहलाता है। मतलब यदि वो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो दो से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और चार से जुड़ा हुआ है तो क्वाटरनरी, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ओके, अब यहां पर देखिए, अब ये तो हो गया कार्बन,
लेकिन अब हाइड्रोजन कैसा? अब ये प्राइमरी हाइड्रोजन किसे बोलेंगे? वह हाइड्रोजन, ये है H3, मतलब तीन हाइड्रोजन यहाँ पर, वह हाइड्रोजन जो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे या प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? अब यही क्या है? यही है आपका प्राइमरी हाइड्रोजन, यह आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन, यह आपका क्वाटरनरी हाइड्रोजन होगा क्या? अब देखिए क्वाटरनरी में कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है? 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन तक रहता है, मतलब टर्सरी हाइड्रोजन तक रहता है, क्वाटरनरी नहीं होता है। ठीक है, क्वाटरनरी सिर्फ कार्बन होता है। तो हमने ये समझ गया है कि किस प्रकार से आपका कार्बन और हाइड्रोजन को टाइप डिपेंड करते हैं। अब एक और चीज आप देख लीजिए, लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने इसी को मैंने ऐसे लिखा, CH3, CH3, CH2, CH2 और CH3। अब इसको मैं लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखता हूँ, तो लाइन स्ट्रक्चर को मतलब ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए कोने का मतलब होता है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो ये कॉर्नर का मतलब क्या होगा? आपके कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, बाकी इसमें क्या है? हाइड्रोजन 1 2 3, है ना, ये तीन वाला, लेकिन ये दर्शाए नहीं गए हैं, ये क्या है, हमने छुपा लिए हैं, तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। यदि मान लीजिए इसमें मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, तो अगर डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 3 1 2 3, सही है ना? तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये लाइन स्ट्रक्चर होता है। तो अब देख लीजिए थोड़ी सी परिभाषा जो हमने पढ़ा है उसको हम लिख कर समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि एल्केन क्या होती है, एल्कीन क्या होती है, एल्काइन क्या होती है। ठीक है, तो एल्केन एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड पैराफिन। पैराफिन मतलब होता है कि जो कि बहुत कम रिएक्टिव होता है उसको हम पैराफिन बोलते हैं, जो कि एल्केन का नाम है, मतलब एल्केन जो है वो बहुत कम रिएक्शन करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इट इज जनरल फॉर्मूला इज द CnH2n+2। ठीक है, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वैसे ही इसकी जैसे एल्केन लिख लेंगे कि एल्केन इज द एसाइक्लिक सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट जनरल फॉर्मूला इज द इतना। ठीक है, एल्कीन क्या है? एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इट जनरल फॉर्मूला इज द CnH2n-2। प्राइमरी कार्बन क्या है? हमने आगे देखा था कि प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है, टर्सरी क्वार्टरनरी क्या है, तो उसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे? उसकी ऐसे लिखो डेफिनेशन कि प्राइमरी कार्बन, व्हेन कार्बन अटैच विद डायरेक्टली विद वन अदर कार्बन, कार्बन अटैच डायरेक्टली विद अदर वन कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी, व्हेन कार्बन अटैच विद डायरेक्टली विद टू अदर कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। अब देखिए सेकेंडरी हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन, टर्सरी हमने पढ़ा था, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या? व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद डायरेक्टली विद सेकेंडरी कार्बन, है ना, अगर कोई हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, टर्सरी से जुड़ा है तो टर्सरी हाइड्रोजन, प्राइमरी से जुड़ा है तो प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, डेफिनेशन हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।